जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा कि हार्ट अटैक अचानक ही आता है और उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी दिल का दौरा पड़ने से पहले इंसान को कोई संकेत नहीं मिलता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हार्ट अटैक से कुछ समय पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाते है, लेकिन लोग इन लक्षणों को आम समझकर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान पे बनाती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दिल का दौरा तो अचानक ही कभी भी और कहीं भी पड़ सकता है, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारा शरीर करीब महीने भर पहले से ही हार्ट अटैक के सिग्नल देना शुरू कर देता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हार्ट अटैक से जुड़े कुछ लक्षणों के बारे में, तो चलिए जानते हैं। बदहजमी। अगर आपको लगातार बदहजमी या पाचन तंत्र से जुड़ी दूसरी शिकायतें हो रही है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, यह हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। सांस की समस्या। अगर व्यायाम या किसी और कारण के बिना आपको सांस लेने में समस्या हो रही है और आप हमेशा थका थका महसूस कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए और अपने डॉक्टर को दिखाइए। अक्सर हार्ट अटैक से कई दिन पहले ही ये समस्या शुरू हो जाती है। सांस की तकलीफ दिल पर अधिक तनाव का भी एक लक्षण है। सीने का दर्द। सीने में बना रहने वाला दर्द संभावित हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है, इसलिए इसे अनदेखा ना करें। खास तौर से तब तो बिल्कुल भी नहीं जब सीने में दर्द के साथ दबाव, बेचैनी और जकड़न भी महसूस हो। जरूरत से ज्यादा पसीना आना। गर्मी के दिनों में पसीना आना आम बात है, या फिर आप कहीं से दौड़कर आ रहे हैं, कसरत की है तो पसीना आ सकता है, लेकिन यूं ही बिना किसी वजह से बहुत अधिक पसीना आना हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। सामान्य से ज्यादा पसीना आपकी ब्लॉक्ड आर्टरी का एक लक्षण हो सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि आपका दिल खतरे में है। दरअसल ब्लॉक्ड आर्टरीज के जरिए खून को दिल तक पहुंचाने में आपके शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रेशर में शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ज्यादा पसीना निकलता है। शरीर की जकड़न। शरीर में अलग अलग हिस्सों में दर्द और जकड़न पर ध्यान देने की जरूरत है। बाहों, कमर, जबड़े और गर्दन में भारीपन, दर्द और जकड़न महसूस हो तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, और तब तो खास तौर से सावधान हो जाए जब ये दर्द और जकड़न की समस्या शरीर के विभिन्न अंगों से होती हुई सीने तक पहुँच जाए। तेज हार्ट बीट। अगर आपकी नर्व्स असामान्य रूप से तेज चल रही है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी पल्स की गति में बदलाव बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये कई बार हो चुका है और धड़कन बहुत तेज भाग रही है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। घबराहट। आप लगातार तनाव और चिंता से ग्रस्त रहते हैं और घबराहट महसूस होती रहती है। कभी कभी आप इसी वजह से रात को सोते से उठ जाते हैं। अगर यह आपके साथ हो रहा है, तो यह भी आने वाले हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो लगभग ये सारे लक्षण फ्लू के लक्षण जैसे ही है, इसलिए इन लक्षणों को फ्लू से कंफ्यूज न करें और हार्ट अटैक के संभावित खतरे के रूप में अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।